हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज सिंह एंड यू आर वॉचिंग ब्लिस अकेडमी। हम लोग फंक्शन के सीरीज़ में वन वन फंक्शन देख ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल ब्लिस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलेंगे, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चलती रहे। तो आइए आज हम देखेंगे इस वीडियो में ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं अच्छादक फलन। आइए अच्छादक फलन को समझते हैं एरोडायग्राम से। दो सेट लेकर, एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। सेट ए, सेट बी। सेट ए में हमने एलिमेंट ले लिया ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट्स में मैंने ले लिया एल एम एन। सेट ए में आप देखेंगे जो एलिमेंट्स है ए बी सी, सेट बी में जो एलिमेंट्स है एल एम एन, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स, यहाँ पर एफ डिफाइंड है ए से बी में। मैंने मान लिया कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट ए का एफ इमेज यहाँ पर एल है। मैंने मान लिया कि सेट ए का एलिमेंट ए का एफ इमेज एल है, बी का एफ इमेज एन है, तथा एलिमेंट सी का एफ इमेज एम है। अब आप देखिए गौर से, यहाँ पर सेट बी मतलब कोडोमेन में जितने भी उपस्थित एलिमेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक का कोई ना कोई प्राक प्रतिबिंब सेट ए डोमेन में मौजूद है। एल का प्राक प्रतिबिंब कौन है, प्री इमेज कौन है, ए। एम का प्री इमेज सी है, तथा एन का प्री इमेज बी है। तो आपने क्या पाया कि यहाँ पे सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं उन प्रत्येक एलिमेंट्स का कोई ना कोई प्री इमेज सेट ए में मौजूद है, प्राक प्रतिबिंब मौजूद है। तो अब यहाँ से परिभाषा निकल के आता है कि अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई फलन एफ परिभाषित है, इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, अगर सेट बी में उपस्थित सभी अवयवों का कम से कम एक प्राक प्रतिबिंब समुच्चय ए में मौजूद हो, तो वहां फलन एफ ए से बी में एक ऑन टू फंक्शन कहलाता है, एक अच्छादक फलन कहलाता है। तो आइए यहां पे हम लोग बात करते हैं फंक्शन जो डिफाइंड है ए से बी में, जहां ए डोमेन है एंड बी को डोमेन है। तो आइए हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा कि फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी एक अच्छादक फलन होगा यहाँ पर, यदि बी के प्रत्येक अवयव का यदि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब, अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में मौजूद हो, समुच्चय ए में मौजूद हो। यहाँ पे हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि सांकेतिक रूप में, यदि एफ इनवर्स वाई बिलोंग्स टू ए, ध्यान देंगे, एफ इनवर्स वाई बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल, एफ इनवर्स वाई बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब कि अगर बी में उपस्थित सभी अवयव वाई के लिए अगर एफ इनवर्स इमेज
समुच्चय ए में उपस्थित है, मौजूद है, तो फलन एफ अच्छादक होगा। देन एफ क्या होगा जी, अच्छादक कहलाएगा। तो एफ अच्छादक कहलाता है, एफ अच्छादक कहलाता है, एफ अच्छादक कहलाता है। इस बात को हम लोग दूसरे शब्दों में भी समझते हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में समझिए। अगर कोई फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी है, और अगर किसी फलन का कोडोमेन अगर इस फलन के रेंज के बराबर हो जाए तो फलन एफ एक ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई फलन एफ का कोडोमेन फलन एफ के रेंज के बराबर हो जाए तो फलन एफ एक ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। आइए इस बात को लिख लेते हैं लोग कि यदि फलन, यदि फलन फंक्शन ऑफ ए टू बी, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, यदि फलन एफ का परिसर बराबर एफ का सहप्रांत, यदि फलन एफ का, यदि फलन एफ का परिसर बराबर एफ का सहप्रांत, तो यहां पर एफ अच्छादक कहलाता है, एफ अच्छादक कहलाता है। समझ में आया? मैंने बताया कि अगर कोई फलन है उसका परिसर अगर उसके सहप्रांत के बराबर हो जाता है तो फलन अच्छादक कहलाता है। इस बात को हम लोग इंग्लिश में भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर इस डेफिनेशन को हम एक बार इंग्लिश में भी समझा दे रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज at least one pre-image, has at least one pre-image in set A, then F is called onto from A to B। ए से बी में क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऑन टू फेल करता है। जैसे हमने एक सेट ले लिया सेट ए और एक सेट ले लिया बी। सेट ए में मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी और बी में एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5। एफ ए से बी में डिफाइंड है, ए को मैंने यहां पे रिलेट कर दिया 1 से, ए का एफ इमेज 1, बी का एफ इमेज मैंने 2 ले लिया, सी का एफ इमेज मैंने 3 ले लिया एंड डी का एफ इमेज मैंने 4 ले लिया। गौर से देखिए, सेट बी में उपस्थित एक एलिमेंट 5 ऐसा है जिसका कोई भी प्राक प्रतिबिंब ए में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम परिभाषा के आधार पर फलन एफ को बोलेंगे कि यह एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, और अगर यह ऑन टू नहीं है तो यह फलन एक इन टू फंक्शन है। दूसरी परिभाषा के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ का कोडोमेन है, एफ का जो कोडोमेन है, एफ का कोडोमेन वो है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तथा यहाँ पर जो एफ का परिसर है, एफ का परिसर, जैसा कि आप विद्यार्थी जानते हैं लोग कि सभी एफ प्रतिबिंबों के समुच्चय को, जितने भी आउटपुट्स होते हैं जिसको आप प्रतिबिंब कहते हैं, सभी प्रतिबिंबों के समुच्चय को परिसर कहा जाता है, उस फलन का परिसर कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब 1 2 3 4 है, इमेजेस जो है वो कौन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, ये एफ का परिसर हो गया। आप स्पष्ट तरीके से देखिए, एफ का कोडोमेन एफ के परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। एफ का कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू एफ का परिसर, एफ का रेंज, देन इंप्लाई एफ अच्छादक नहीं है, एफ अच्छादक नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि किसी फलन की अच्छादकता कैसे जांचते हैं, सब्जेक्टिविटी कैसे जांचते हैं, जांच के तरीकों की बात करते हैं लोग। जांच इसमें पहले विधि की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप जो होता है, हम लोग मानते हैं कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट वाई, कोई स्वेक्ष एलिमेंट वाई है, तो माना कि हम यहाँ पे कोई स्वेक्ष एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी ले लिए, माना कि वाई बिलोंग्स टू बी, वाई एक स्वेक्ष अवयव है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे वाई बराबर एफ एक्स मान लेते हैं, माना कि
वाई बराबर एफ एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। इससे x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग कोटोमेन b से कोई स्वेक्ष अवयव y ले लेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स मान के उसको सिंप्लीफाई करके वहाँ से x का मान हम लोग y के पदों में ज्ञात कर लेंगे लोग। अब वहाँ से तीन नंबर स्टेप में आएंगे लोग, और तीन नंबर स्टेप में क्या करेंगे लोग कि यदि यहाँ पे समझिएगा, यदि यहाँ पे किसी y बिलोंग्स टू, यदि किसी y बिलोंग्स टू पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे, यदि किसी y बिलोंग्स टू b के संगत यदि किसी y बिलोंग्स टू b के संगत x का मान प्रांत a में नहीं प्राप्त होता है, x का मान प्रांत a में न हो तो f आच्छादक नहीं होता है। तो f क्या होगा, f आच्छादक नहीं होगा, लेकिन यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए, लेकिन प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a का अगर मान हमें प्राप्त होता है, अगर x बिलोंग्स टू a का मान प्राप्त होता है या x बिलोंग्स टू a मिलता है, ऐसे लिख देते हैं लोग, x बिलोंग्स टू a मिलता है तो f आच्छादक होगा, f आच्छादक होगा। सबसे पहले हम लोग x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेंगे लोग, और वहां से देखेंगे लोग कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए हमको x का मान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए हमें x का वैल्यू प्राप्त हो रहा है, x बिलोंग्स टू a का वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो फलन f एक आच्छादक फलन होगा। इसको जांचने की एक दूसरी विधि भी हम लोग लेंगे लोग, जो परिभाषा में भी हम लोगों ने यूज किया है, कि यदि किसी फलन f का, अगर किसी फलन f का कोडोमेन, यदि यहाँ पे यदि f का कोडोमेन यहाँ पर इज इक्वल टू f का रेंज, अगर किसी फलन f का कोडोमेन f के रेंज के बराबर हो जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का रेंज निकालेंगे और देखेंगे कि फलन f का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो हम लिखेंगे कि f क्या है, आच्छादक है, अन्यथा f अंतःक्षेपी होगा। अगर हम यहीं पे लिख देते हैं, लेकिन यदि f का रेंज जिसको आप फंक्शन ऑफ a से भी डिनोट करते हैं, अगर f का रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ f का कोडोमेन ऑफ f, अगर f का रेंज f के कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाए तो यहाँ पर f आच्छादक नहीं होगा अर्थात अंतःक्षेपी को हम लोग इंग्लिश में इनटू कहते हैं और आच्छादक को ऑनटू कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंबोलिकली, डैट इज फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ a टू b एक आच्छादक फलन कहलाता है, और इस तरह से चार ऑप्शंस आपको दिए हुए रहते हैं जिसमें एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, तो आप वहां पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f, तो फलन f क्या हो जाता है, एक अंतःक्षेपी फलन हो जाता है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं लोग। यहाँ पे अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया फंक्शन ऑफ r टू r, जिसको मैंने परिभाषित किया एफ एक्स इज इक्वल टू मोडुलस ऑफ x से, जैसा आप सब जानते हैं कि मोडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है, रेंज एज वी नो डैट रेंज ऑफ मोडुलस फंक्शन इज द सेट ऑफ
ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, अगर हम रेंज देखें यहाँ पर, रेंज रेंज ऑफ एफ, तो हम जानते हैं रेंज ऑफ एफ क्या होता है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, उसके सेट को कैसे लिखते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, जैसा कि हम जानते हैं उस जानकारी के आधार पर जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा। और हमारे पास इस फंक्शन का कोर डोमेन कितना मौजूद है, आर। तो यहाँ पर कोर डोमेन ऑफ आर कितना है, सॉरी कोर डोमेन ऑफ एफ कितना है हमारे पास, आर है। अब आप देखिए ना क्लियरली, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आप देखेंगे कि रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ। तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ आच्छादक नहीं है, एफ ऑन टू नहीं है, एफ ऑन टू नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगर हमने ले लिया फंक्शन ऑफ आर टू आर सच डैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमने आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया। एज वी नो डैट रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम लोगों को पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो रेंज होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो यहाँ पर जब हम बात रेंज ऑफ एफ की करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आर आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज जो होता है वो आर होता है, हमको जानकारी है क्लास 11 से। और यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कोर डोमेन हमारे पास कितना है, कोर डोमेन एफ कितना है हमारे पास, आर है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ है, जो रेंज ऑफ एफ है इज इक्वल टू कोर डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू है कोर डोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है, एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक है। हम बार बार बदल के लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, हम यहाँ पे ऑन टू लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने आच्छादक लिखा, कहीं सब्जेक्टिव, तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि ऑन टू को हम हिंदी में आच्छादक कहते हैं और ऑन टू को हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर एफ सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं कि एफ सब्जेक्टिव नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं लोग, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ आर टू आर डिफाइंड होता है इस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एज वी नो डैट द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, हमको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका रेंज जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। रेंज ऑफ एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग आइदर जेड से डिनोट करते हैं और आई से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है उसका कोर डोमेन कितना है भाई, यहाँ पे कोर डोमेन ऑफ एफ जो है वो तो आपके पास आर है। तो जो कोर डोमेन आपके पास आर है और रेंज यहाँ पर आई है, क्या वो दोनों आपस में समान है, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोग कि क्लियरली स्पष्टतः यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोर डोमेन ऑफ एफ, इसलिए एफ क्या है जी, ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू ऑफ एफ, ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोर डोमेन बदल दें, अगर यहाँ फंक्शन ऑफ आर टू जेड कर दें और एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन यही ले लें, तो फिर हमारा ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज जेड और इसका कोर डोमेन भी क्या हो जाएगा, जेड, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आपके पास जो किताब होंगे और जो संस्था से सेट दिया जाता है, ब्लिस एक्सरसाइज दिया जाता है, उसकी मदद से आप इसमें से इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, उसमें परेशानी होती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके उस क्वेश्चंस के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जो भी चीज़ें हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, जो भी फीडबैक है आपका उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अपना बेहतर दे पाए, अपना दी बेस्ट दे पाए। थैंक यू।